लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। लॉकडाउन 3 में प्रदेश सरकार ने शराब दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद से विपक्षी खेमा सरकार पर हावी होकर हमले कर रहा है। उसी बीच पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। आज अपने आवास पर चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार मंदिरालय बंद कर रही है और मदिरालय खोल रही है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में पुजारी पिछले 40 दिनों से परेशान हो रहे हैं, उनकी चिंता सरकार को नहीं है, शराब की चिंता सरकार को ज्यादा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार को शराब की दुकान के बजाय कॉपी किताब की दुकान खोलनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। सीएम पर हमलावर होते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कोरोना को साधारण खांसी जुकाम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान अव्यवहारिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कोरोना बहुत भयंकर वायरस है। मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा है। लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पहली सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये तीसरे लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोल रहे हैं। मदिरालय तो खोल रहे हैं लेकिन मंदिर नहीं खोल रहे हैं। तो मदिरालय में उससे जा सकता है आदमी सोशल डिस्टेंसिंग, तो मंदिरों में भी जा सकता है। वो पुजारी जो पिछले 40 दिनों से जिसको कुछ मिला नहीं और उसका जिसका उसी में चलता था, और धर्मों के हैं, चाहे बौद्ध हों चाहे जैन धर्म हों चाहे मुस्लिम समाज, इन सब के तो हमने बंदिश लगा दी लेकिन मदिरालय खोलेंगे, मंदिर बंद। पूरे मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खोलना चाहिए, एक चीज। अभी आया कि रतलाम में 4 लोग जो है शराब पी के उनकी जानी चली गई। तो अभी ये, और मध्य प्रदेश में डेथ रेट 5.21 सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में, बॉम्बे से ज़्यादा है जो लोग होने हैं, और 74 लोग कल 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। तो ये इतना इजीली नहीं लें। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि खांसी जुकाम है, अरे WHO कह रहा है, वहाँ पर दुनिया कह रही है, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं खांसी बुखार है, सतर्क रहो सब ठीक हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अविवेकपूर्ण उनका ये स्टेटमेंट है। और दूसरा ये है कि काफ़ी किताबों की दुकान खुले तो बच्चे पढ़ सकें वहाँ पर, बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें लोगों को मिले, राशन नहीं मिल पा रहा आज भी दुकानों पर, दारू मिलेगी लेकिन राशन नहीं मिल रहा है, आज भी लोग परेशान हो रहे हैं। 5 किलो राशन में कह रहे हैं कि आपको 2 महीने निकालना है। लोग आवाजाही की इतनी परेशानी है, कुछ जहाँ फंसा हुआ है वो निकल नहीं पा रहा है। आज ही कुछ समाचार पत्रों में छपा कि 3 बच्चे अपनी बहन को बारी बारी से लेके आ रहे हैं, भोपाल का मामला है, जैसलमेर से एक महिला अस्पताल के अंदर खुद सिलेंडर को लेके जा रही थी। इस तरह की जो घटनाएं हो रही, और एक जो परिवार आया गुना जिले में, उसको बाथरूम के अंदर क्वारंटाइन कर दिया। कुल मिला के पूरी तरह से तीसरे लॉकडाउन तक आके हम अभी तक पकड़ नहीं बना पाए कोरोना से लड़ाई में, जो पकड़ बनना थी। और जबकि जब कल जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें बताया उसमें उन्होंने कि कैसे 30 जून को उन्हें इसके पूरे सर्कुलर जारी कर दिए, किस तरह से 31 जनवरी को उन्होंने कलेक्टर्स को सूचित कर दिया था, किस तरह से सब चीज़ों के खरीदने की किट्स की खरीदने की टेस्टिंग की वो, और लोगों के प्रोटेक्शन उपकरणों खरीदने के पूरे इंतजाम कर लिए थे, आदेश दे दिए थे। और उसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, बार बार बात करते हैं कि सरकार कमलनाथ जी की आईफा में लगी थी, अरे आईफा जैसा माहौल था, लेकिन आईफा का 5-6 मार्च को घोषणा कर दी थी कि ये नहीं होगा, इसको पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन केवल ये बात करना। और दूसरा एक जो बात है, उस समय स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री जी का और जो गृह मंत्री एम जी की, कोरोना नहीं डरोना है, जब बात की गई थी 16 तारीख को कि विधानसभा
26 तारीख बढ़वाई दी जाती है। ये लोग पूरी तरह लगे थे सरकार गिराने में, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल कहा कि 19 मार्च को पहला टेस्ट हो गया था, ये सब चीज़ें दिख रही थी। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये जो लोग परेशान हो रहे हैं आने जाने में, आज भी भीड़ लगी हुई है, ट्रेन चला रहे हो, बस चला रहे हो, ये लॉकडाउन के एक हफ्ते पहले क्यों नहीं किया, एक हफ्ते पहले कह देते। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।